इतनी सरलता से। तो एक जब स्कूल में सब पूछ रहे थे तो उसमें से एक बच्चे को पूछे तिरंगा झंडा, छोटा सा 7-8 साल के कितने बड़े होते हैं बेचारे, कई लोगों को अभी तक मालूम नहीं कि तिरंगा में कितने रंग होते हैं। तो उन्होंने पूछा बच्चों से कि तिरंगा में कितने रंग होते हैं, कौन कौन से। तो उन्होंने बताया सब ब्राउन है, व्हाइट है और ग्रीन है, 3 रंग होते हैं कि सभी प्रयास सब बच्चे बताने लगा। तो एक बच्चा खड़े होकर के बोलता है कि उसमें चौथा रंग भी है। बोले नहीं, 3 रंग तो सुने इसलिए तिरंगा भी बोलते हैं, चौथा कौन सा। बोला अशोक चक्र जिसमें लगा हुआ है उसमें आप देखे तो हल्का नीला रंग का है, तो ये चौथा रंग भी है। तो लोगों को अज्यूम हुआ देखो कितना ऑब्जर्वेशन है बच्चे का। तो बातें खत्म होने लगी तब एक छोटा सा लड़का वहां से उठा, उसने बोला नहीं सर मैंने तो 5 रंग देखे। तो सबको आश्चर्य हुआ कि 5वां रंग कहां से आ गया। तो सोचने की बात है, देखिए किसी का माइंड में बच्चों के खास करके एक माता पिता के बारे में कितना गर्व महसूस होता है, मैंने देखा। बोले 5वां रंग क्या है। बोले लाल रंग भी है। तो बोले लाल रंग हम समझ नहीं आए। मेरे पिता आर्मी में ऑफिसर थे, जिंदगी भर उन्होंने देश की सेवा की है और एक दिन दुश्मनों से लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। और जब उनको तिरंगा में लपेट कर लेके आ रहे थे तो मैंने एक वहां पर लाल रंग का भी धब्बा देखा। तो ये छोटी सी बात उन्होंने बोला, लेकिन बारीकी से सोचिए कि उस बच्चे के मन में कितनी बड़ी चीज थी, कितना गहराई से, कितना बड़ा ऑब्जर्वेशन। वो लाल रंग भी देखा तो बोला कि 3 रंग और 4 रंग आपने बोला, मेरे पिता के लहू भी उस तिरंगा में लिपटे हुआ आया था, तो मैंने उसको देखा। तो उस बच्चे को देखिएगा कि किस तरह संभालते हैं परिवार में, एक माँ है, बच्चा है और उनके पिता है। पिता हमेशा ही कहते हैं कि देश के लिए अगर आप जिंदगी में कुछ मकसद और कुछ उद्देश्य आया तो अपने लिए नहीं देश के बारे में भी सोचना चाहिए, हमेशा ही उन्होंने अपने बच्चे को कहा। और देश में लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। तो ऐसी आत्मा के ऐसे बच्चे कितने स्ट्रांग होते हैं। और बचपन में देखिएगा कि एक रथ है चला रहे, कभी माँ बाप घोड़े बन जाते हैं, हाथी बन जाते हैं, अपने पीठ पे बिठा के दौड़ाते हैं, अपने कंधे पे दौड़ाते हैं। क्यों? उस बच्चे को डेवलप करना चाहते हैं, उनको हर तरह से स्वस्थ बनाना चाहते हैं, फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल के साथ में उसको एक एक कहानियां बता करके दोनों एक साथ लेके जाते हैं। जब माँ तो प्यार करती है लेकिन जब वो रोड क्रॉस होता है तो अचानक माँ और बाप जो है उसको बीच में ऐसे उठाते हुए लेके जाते हैं, तो उस समय वो कितना महसूस करता है। लेकिन आज जब उसके साथ ऐसी घटना हुआ तो अधूरा हो गया। वो रथ जिसमें वो बैठकर राजकुमार जैसे चलता था, जिसमें माँ और बाप जो है रथ के 2 पहिए बन करके उसको दौड़ाते थे, और आज एक पहिया टूट गया तो वो रथ के ऊपर में क्या करे, कैसे करे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। सोचो तो बहुत बड़ी चीज, देश के लिए वो कुर्बान हो गया, शहीद हो गया। लेकिन इस बच्चे के दिल में, इसको बच्चे को परवरिश के लिए आगे उसकी माँ कैसे स्ट्रगल करती होगी, उन माताओं के बारे में हमको सोचना चाहिए, बहनों के बारे में सोचना चाहिए जिनके साथ में एक नॉर्मल घटना हो गई है। हम लोग तो बैठे हैं तो हम सोचते हैं कि पैसे के लिए कर रहे, नहीं, उनका एक उद्देश्य रहता है कि देश के लिए हमको मर मिटना है। लेकिन वो तैयारी में रहते हैं, अगर पिता चला गया तो बच्चे को कैसे डेवलप करना, उस महान औरत जो माँ बन के रहती है उसको भी हम लोग प्रणाम करना चाहिए। वो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, ऐसी कुछ भी बात नहीं, इतनी स्ट्रांग हो जाते हैं, अपने आप को संभालते हैं। लेकिन वो बच्चा वही बड़ा होकर के पिता का रोल लेता है और दूसरा पहिया संभाल करके फिर रथ को ऐसी परिवार को वैसी कंटिन्यू रखता है। तो कितनी बड़ी शिक्षा है ऐसे लोगों से सीखने को मिलती है। एक छोटी सी बात, उन्होंने 5 रंग बोल दिया तो लोगों को लगता है, लेकिन वो 5वां रंग के बारे में जब बोला तो उसके आंखों में आंसू देखने लगे। तो कितना अधिक तकलीफ होता है जिस भारत माता के लिए शहीद हुए हैं। और इस आजादी के पहले आपने सोचे होंगे कितने शहीद लोग किस तरह से हुए, सुबह उठ के वंदे मातरम करके झंडा लेके घूमते थे, दौड़ते थे। उनका जिंदगी में एक ही मकसद था, मेरा देश आजाद हो। आज मेरा देश आजाद हो गया तो हमको कोई मूल्य समझ में नहीं आता। यही चीज अगर प्रत्येक भारतीय नागरिकों और बच्चों को समझ में आ जाए कि नहीं, ये झंडे का महत्व ये साधारण नहीं है, ये 15 अगस्त मनाते हैं, अब 75 साल आ रहा है, 75 साल हम पूरा कर रहे हैं स्वतंत्रता होने के बाद में, और आज हमारे देश संपन्न देशों में गिना जाने वाला
तीसरे पांचवे की बात करते हैं, हम तीसरे इकोनॉमी की भी बात करते हैं, इतना अधिक परिश्रम करके डेवलप किए हैं उस झंडे के लिए हमारा मतलब आत्मसमर्पण रहना चाहिए। तो इस 15 अगस्त में हम जैसे अभी आज 13 अगस्त है, हमको समझना चाहिए, देखना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं।